कोई भी रायता बनाते समय उस वक्त नमक ना मिलाएं, बल्कि सर्व करते समय नमक मिलाएं। ऐसा करने से नमक पानी छोड़ देता है और रायता पतला हो जाता है। सॉफ्ट इडली बनाने के लिए उड़द दाल चावल भिगोते समय उसमें 1/4 कप साबुदाना मिलाएं। जब दाल चावल भीग जाए तो उसे पीस लें। मेथी कड़वी होती है, उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए पत्तों पर थोड़ा सा नमक छिड़क कर 15 से 20 मिनट तक रख दें। बाद में अच्छी तरह से धोकर पकाएं। शक्कर का डिब्बा अगर गलती से खुला रह जाए तो उसमें चींटियां लग जाती है। चींटियों से बचने के लिए डिब्बे में 5 से 6 लौंग डाल दीजिए। चींटियां कभी नहीं आएंगी। अजवाइन को काले नमक के साथ भूनकर गुनगुने पानी के साथ लें। इससे पेट दर्द में आराम मिलेगा। पीरियड के दौरान आंवला का मुरब्बा इसका जूस पिए। इससे ब्लडिंग के कारण हुई आयरन की कमी पूरी होगी। यदि दही वाली अरवी या दही वाले आलू बना रहे हैं तो उनमें नमक अंत में मिलाएं। जब ग्रेवी पककर गाढ़ी हो जाए तो पहले नमक डालने से दही फट जाती है और सब्जी दही का स्वाद भी नहीं लाती है। हरे धनिये को 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लें। एयरटाइट बॉक्स में साफ करके कपड़ा बिछाकर हरा धनिया लपेट कर रखें। कपड़ा सारी नमी को सोख लेगा। 4 से 5 दिन बाद कपड़ा बदल लें, हरा धनिया ताज़ा ही रहेगा। आलू उबाल कर ठंडा करके छिलके सहित पीस लें। इसमें काकड़ी का रस मिलाकर नींबू निचोड़ लें। इसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें। कुछ दिनों के प्रयोग से झाइयां, झुर्रियां यानी चेहरे के दाग धब्बे मिट जाएंगे। गुलाब जामुन बनाते वक्त मावे में मैदे की बजाय गेहूं का आटा मिलाकर गूंथ लें, स्वाद एक जैसा ही आएगा। ककड़ी लौकी और बूंदी के रायते में जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगाकर खाने से रायते का स्वाद दुगना हो जाता है। चावलों को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाने के लिए बनाते समय उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर या दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डालें। सूप बनाते समय पनीर के क्यूब्स काट कर डालें। सूप और भी हेल्दी और टेस्टी बनेगा। यदि आप किशमिश को 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो उसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रीज में रखें। जब भी खीर हलवे या स्वीट डिश में डालना हो तो डालने से पहले 15 मिनट गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। बाद में साफ कपड़े से पोंछकर 10 मिनट तक सूखने दें। बालों में रूसी होने पर आंवला और सिकाकाई से बाल धोए, तुरंत छुटकारा मिलेगा और बाल लंबे और मजबूत होंगे। बाल झड़ने पर दही लगाकर आधे घंटे के बाद सिर धोए, बाल चमक जाएंगे और मजबूत भी होंगे। कड़ी बनाते समय दही फट जाए तो कड़ी बनाते समय उसे लगातार चलाते रहें और उसके बाद नमक मिलाएं, दही कभी नहीं फटेगी। प्याज फ्राई करने से पहले तेल में थोड़ी सी चीनी डालें, इससे प्याज अच्छे से जल्दी फ्राई होगा, साथ ही सब्जी का रंग भी अच्छा आएगा। उबलते हुए आलू के छिलके पर नमक लगाकर चांदी के बर्तन साफ करें, बर्तन चमक उठेगा। चुटकी भर हल्दी और नमक डालकर कच्चा केला उबालने से केला काला नहीं पड़ता है। आंखों के काले घेरे पर दूध की मलाई लगाने से काले घेरे साफ होते हैं। कब्ज दूर करने के लिए रात को सोने से पहले 1 चम्मच तिफरा फल चूर्ण को गर्म पानी के साथ पी लें, इससे कब्जियत दूर होगी। केक को अच्छे से काटने के लिए गर्म पानी में डुबा हुआ चाकू इस्तेमाल करें। चाकू को पहले पोंछें और फिर केक काटें, हर स्लाइस के लिए दोहराएं। लहसुन को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए लहसुन को घर के सबसे अंधेरे घर में रखें। अखरोट एनर्जी का भंडार है। रोजाना 4 अखरोट खाने से हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फाइबर, कॉपर और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोजाना सुबह 4 अखरोट खाने से रक्त वाहिनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है, इसलिए रोजाना 4 अखरोट खाने की आदत डालिए। ग्रेवी की सब्जी में प्याज डालने के लिए प्याज को पहले थोड़ा सा तेल में थोड़ा फ्राई करने के बाद पीस लें। ऐसा करने से सब्जी स्वादिष्ट बनती है। चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती में थोड़ा सा वीम पाउडर मिलाकर क्रॉकरी साफ करें, उससे चमक आएगी। अगर फ्रीज में से बदबू आ रही है तो 1 कटोरी में लकड़ी का कोयला भरकर फ्रीज में रखें, इससे फ्रीज से बदबू गायब हो जाएगी। हरी मिर्च की डंडी तोड़कर फ्रीज में रखने से हरी मिर्च अधिक समय तक ताज़ा बनी रहती है। अक्सर बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा कि बच्चों की लंबाई सोते समय सबसे ज्यादा बढ़ती है, इसलिए कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। नींद के समय शरीर में हॉर्मोन्स ग्रोथ बेहतर होती है। ये लंबाई बढ़ाने का बेहद कारगर उपाय है। जिन्हें खट्टी डकार आती है वो चुटकी भर जीरा खा लें, इससे खट्टी डकार आना बंद हो जाती है। टाइल्स पर नींबू रगड़ कर 15 मिनट बाद मुलायम कपड़े से पोंछने पर भी उनकी चमक बरकरार रहती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे पसीना आकर शरीर का तापमान नियमित निर्धारित हो सके और शरीर में जल की कमी ना हो। दही वड़े बनाते समय दाल फेंटते समय उसमें 1 उबला हुआ आलू अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लें।
वड़े मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। पानी में नींबू निचोड़कर नहाने से स्किन चिकनी और मुलायम बनती है। काले कसूर खाने से कमर मजबूत बनती है और इससे कमर दर्द भी नहीं होता है। अगर आपके गले में खुश्की की दिक्कत है तो आप देसी घी से गले की मालिश करें, इससे आपको आराम मिलेगा। लहसुन खाने से खून पतला होता है और लहसुन खाने से शरीर में दर्द नहीं होता है। खीर के चावल को अगर मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया जाए और फिर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दिया जाए तो फिर 3 से 4 महीने तक चलते हैं। फिश को अच्छी तरह से धोकर उसमें शक्कर लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर इसे फ्राई करके क्रिस्पी फिश का स्वाद लें। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। रोजाना खाना खाने के साथ खीरा खाएं, ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है। हाथ धोए बगैर जो लोग खाना खाते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। छोटे बच्चे को रोजाना 1 केला खिलाएं, बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। बंद जूते गर्मी के मौसम में इस्तेमाल ना करें, इससे नज़र कमजोर हो जाएगी। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लो, गुर्दे की बीमारी नहीं होगी। हरी सब्जियां जैसे मटर, पालक और खीरे वगैरह खाने से डिप्रेशन को भगाया जा सकता है। थोड़ी देर अपने कान में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। जिन लोगों में खून की कमी है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, उनके लिए आंवला तो किसी रामबाण से कम नहीं है। मात्र 2 ग्राम आंवले का सेवन रोजाना करने से कुछ ही दिनों में फायदा नजर आने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फूड्स में ज्यादा से ज्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता है। बालों से खुश्की दूर करनी है तो एलोवेरा को पानी में घोलकर उस पानी से सर को धो लें, खुश्की खत्म हो जाएगी। किताब पढ़ने से पहले जीरा खा लिया करो, जो भी पढ़ोगे याद रहेगा। रोजाना 1 सेब खाने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। हाजमे के लिए तेज पत्ते की चाय फायदेमंद है। मैदे की तेजाबियत और पेट के दर्द के लिए बेहतरीन है। अनार शरीर की कमजोरी को दूर करने में लाभकारी है। शरीर में कमजोरी हो जाए तो लोबिया खा लो, जान में जान आ जाएगी। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धो लें, खराटे आना बंद हो जाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।